नमस्कार साथियों। तो हमने भारत में सिकंदर का आक्रमण देखा, किस प्रकार से सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया, भारत में आया, भारत के राजाओं में विजय प्राप्त की और वापस यहाँ से लौट गया, और 323 ईसा पूर्व के लगभग उसकी बेबीलोन में जाकर ज्वर से मृत्यु हो गई। हमने देखा था कि सिकंदर जब भारत आया था तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य कहीं न कहीं व्यास घाटी के अंदर उससे उनकी दोनों की मुलाकात हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य उसका वंश क्या था, उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक दास्तान की जिंदगी से बाहर निकलकर एक साम्राज्य, या अभी तक का जो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य किसी का रहा तो चंद्रगुप्त का रहा, तो एक इतने बड़े विस्तृत साम्राज्य का सम्राट बनने तक का सफर किस प्रकार तय किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, बचपन से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतिभाशाली, शक्तिशाली या महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। यह बचपन से ही प्रतिभाशाली था। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के विषय में कई इतिहासकारों ने अपनी अपनी जानकारी अपने अपने हिसाब से तर्क लगाया है। यह ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, इनके पिता कहाँ के थे, इनकी माता का क्या नाम था, यह सब कल्पनाओं के आधार पर ग्रसित थे। तो कुछ इतिहासकारों द्वारा, जैसे प्राचीन इतिहास थे, फारसी इतिहासकारों द्वारा इसका जो नाम है वह कंद्र बताया गया है। वहीं जो जस्टिन था, यूनानी इतिहासकार, उसने इसकी जो पहचान है वह सेंट रिकॉर्ड्स के रूप में की है। सेंट रिकॉर्ड्स के रूप में की है। वही जो संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत नाटक है, विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस नाटक है, उसके अंदर इसे चंद्रश्री कहा गया है। चंद्रश्री या श्री, चंद्रश्री कहा गया है। अलग अलग जगहों से अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं, और इन अलग अलग नामों के प्राप्ति के कारण ही कहीं ना कहीं इतिहास को जोड़ने में आसानी होती है, और इतिहास को इसी प्रकार से चंद्रगुप्त के इतिहास को भी जोड़ा गया है। हालांकि चंद्रगुप्त का जो संपूर्ण इतिहास है वह अभी तक किसी को प्राप्त हुआ नहीं है। इनकी कुछ विजयों की जानकारियां प्राप्त होती है। इन्होंने जो साम्राज्य स्थापना की थी, या वृहद सम्राट सम्राट बने, या साम्राज्य की स्थापना की, उसमें कहीं ना कहीं इनके इतिहास को जाना नहीं गया है। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का वंश कौन सा था। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे या शूद्र थे, इस विषय पर संशय है। कई इतिहासकारों ने अपने अपने अंदाज से, अपने अपने अनुसार कई तर्क दिए हैं, किंतु इतिहास में उनकी कुछ साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण तथा तर्कों के सही न बैठने के कारण उन्हें सही नहीं माना जाता। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैन साहित्यों में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है, वही ब्राह्मण साहित्यों में इसे शूद्र बताया गया है, शूद्र बताया गया है। और बात करें जैन बौद्ध साहित्यों की, तो चंद्रगुप्त के वंश को लेकर बौद्ध साहित्य जो है वह मौन है। चंद्रगुप्त के विषय में कई जानकारियां बौद्ध साहित्यों से प्राप्त होती है, किंतु वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश टीका, महावंश टीका, जिसमें चंद्रगुप्त के बचपन की जानकारियां प्राप्त होती है। वहीं विशाखा दत्त द्वारा जो लिखा गया मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस में भी कल्पना की गई है। एक टीकाकार हुए डुंडीराज ने कहा है, उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता एक क्षत्रिय थे और उनकी दो पत्नियां थी, एक थी सुनंदा और एक थी मुरा। सुनंदा से 9 पुत्र हुए जिन्हें नवनंद कहा गया, नवनंद, और मुरा से एक पुत्र हुआ जिसे मौर्य कहा गया। हालांकि बाद में जब इतिहासकारों ने इस पर मंथन किया तो इसको भी
सही नहीं माना कि ये भी सत्य नहीं है। वहीं एक महावंश टीका के अनुसार, महावंश टीका से चंद्रगुप्त के जानकार इसके जन्म पर जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे कि महावंश टीका में बताया गया है कि चंद्रगुप्त के जो पिता थे वह मौर्य नामक साम्राज्य के या राज्य के राजा थे। एक समय ऐसा आया कि मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण में मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे या चंद्रगुप्त के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य को आग लगा दी गई। ऐसे में उनकी जो पत्नी थी मुरा, वह भाग कर अपने भाइयों के पास में पुष्पपुर या पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना जो कि बिहार की राजधानी है, पटना में आ गई। यहां पर इनके भाइयों ने अपनी बहन को शरण दी। जब यह पटना में यहां आई थी तब यह गर्भवती थी। सुरक्षा की दृष्टि से इनके भाइयों ने जब इनका पुत्र का जन्म हुआ इनके यहां पर, तो उस पुत्र को या नवजात शिशु को एक गौशाला में रखवा दिया। इस गौशाला में एक बैल था जिसका नाम था चंद्र। रात के समय पर जब चंद्रगुप्त को या नवजात शिशु को गौशाला में रखा गया तो उस बैल ने चंद्रगुप्त की रक्षा की या नवजात शिशु की रक्षा की। बैल का नाम था चंद्र। सुबह होते ही गोपालक ने चंद्रगुप्त को उठाया और अपने साथ ले गया। अब ऐसे में चंद्र नामक बैल द्वारा गुप्त रूप से सुरक्षित था चंद्रगुप्त या रखा गया था। इसीलिए आगे चलकर यह कहलाया चंद्रगुप्त, अर्थात चंद्र नामक बेल द्वारा गुप्त रूप से सुरक्षित चंद्रगुप्त। इस गोपालक ने चंद्रगुप्त का लालन पालन किया और लालन पालन करने के बाद में इसने इसे एक गढ़रिये को बेच दिया। इस गढ़रिये ने भी इनका चंद्रगुप्त का जो लालन पालन था वह पुत्रवत किया और बाद में इस गढ़रिये ने चंद्रगुप्त को शिकारी को बेच दिया। ये जो शिकारी था ये आमतौर पर जंगलों में जाकर शिकार करता था और गांव में रहता था। तो चंद्रगुप्त को जब शिकारी को बेचा गया तब तक चंद्रगुप्त की आयु भी लगभग 8 साल 9 साल 10 साल के लगभग हो चुकी थी। तो शिकारी को बेच दिया, ऐसे में शिकारी के साथ में चंद्रगुप्त रहने लगा। इस शिकारी के पास कुछ और भी बच्चे थे। उन बच्चों के साथ में ही शिकारी शिकार करता था और शिकार को बच्चों के द्वारा घेर के पकड़ता था। चंद्रगुप्त के साथ में रहने लगा। चंद्रगुप्त जो था वो बचपन से ही प्रतिभाशाली था। चंद्रगुप्त ने यहां पर एक खेल का आविष्कार किया जिसे कहा गया राजकुलम। राजकुलम नामक खेल का आविष्कार किया। इस खेल में ऐसा होता था कि एक राजा होता था, बाकी उसके सिपाही सैनिक और मंत्री वगैरह होते थे और उसमें राजा राज्य करता था, अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य देता था। तो रोजाना या हर वक्त जो चंद्रगुप्त था इस खेल को अपने साथियों के साथ, जो साथी थे जिन्हें शिकारी ने खरीद रखा था और को उनके साथ में ये खेलता रहता था। अब एक रोज ये यह खेल खेल रहा था, ये राजा बना, अपने साथियों को अन्य पदों पर बैठाया और यह इस तरह से खेल खेल रहा था और पास से ही गुजर रहे थे चाणक्य। अब चाणक्य की नजर पड़ी चंद्रगुप्त पर और चाणक्य की जो देखने की क्षमता थी, देखने की परखने की जो दृष्टि थी, उस दृष्टि से चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त के अंदर एक राजा होने के सभी गुण विद्यमान है। एक छोटा सा बालक जिसके अंदर राजा होने के सारे गुण विद्यमान हो, तो उससे चाणक्य बड़ा प्रभावित हुए और चाणक्य ने शिकारी से चंद्रगुप्त को 1000 कारशापण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। चंद्रगुप्त को खरीद कर ये अपने साथ तक्षशिला ले गए और वहां पर इन्हें शिक्षा दीक्षा दी। चाणक्य कौन थे? ऐसे में प्रश्न ये भी है कि चाणक्य कौन था। अभी जो चंद्रगुप्त थे, यह चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। इसका उदाहरण यह प्राप्त होता है सिंहल द्वीप के ही महावंश टीका से ही होता है कि जब सिंहल द्वीप के एक राजा ने नंदो को एक पिंजरे में बंद मोम का शेर बनाकर भेजा
और उसमें यह कहलवाया कि जो भी व्यक्ति इस शेर को बिना सलाह के तोड़े बाहर निकाल लेगा उसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हो कहा जाएगा। सारे जो राजकुमार थे उन्होंने प्रयत्न किया, नंदों की राजसभा में जो लोग थे उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन उसे कोई निकाल नहीं पाया। ऐसे में इस शेर को जन सामान्य के सामने भी रखा गया और वहां पर था चंद्रगुप्त। जब ये रखा गया तो सभी प्रयास करने के बाद में चंद्रगुप्त ने, जब बाल्यावस्था में था तभी चंद्रगुप्त ने एक गर्म लोहे की सलाखें ली और इस शेर के अंदर घुसेड़ दी, जिससे कि जो मोम का शेर था वह पिघल गया और मोम पिघल कर सारा पिंजरे से बाहर आ गया। इस तरह से बिना किसी सलाखे को तोड़े शेर बाहर आ गया। अब इस बुद्धिमान उस बुद्धिमानता को देखकर, एक छोटे से बालक की इस बुद्धिमानता को देखकर देखने वाले सारे लोग चकित रह गए कि छोटा सा बच्चा और वाकई में इतना बड़ा कारनामा जो पूरे राज्य के लोग नहीं कर पाए, पूरे राज्यसभा के लोग नहीं कर पाए, इसने अकेले ने कैसे कर लिया। तो इस तरह से चंद्रगुप्त जो था यह बचपन से ही प्रतिभाशाली था। अब चाणक्य कौन थे? चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो थे यह एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्मे एक निर्धन ब्राह्मण ही थे। चाणक्य कौन थे? असल में पाटलिपुत्र में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था कपिल। यह ब्राह्मण थे और अनुयायी रूप में अगर धर्म की बात करें तो यह जैन थे, जैन अनुयायी थे कपिल। चाणक्य के पिता जो थे वह कपिल थे और यह क्या थे? जैन थे और जाति से यह ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भी थे। जब चाणक्य का जन्म हुआ तो चाणक्य के जो सामने के यह दांत जो थे यह विकसित अवस्था में थे, इनके जो दांत जो थे वह विकसित अवस्था में थे। ऐसे में जैन श्रमणों ने देखकर यह भविष्यवाणी की कि आगे चलकर यह बच्चा राज्य का भोग करेगा या राजत्व का भोग करेगा। ऐसे में जो कपिल थे इनको बड़ा दुख हुआ और दुख होने के बाद में इन्होंने चाणक्य के जो दांत थे वह तोड़वा दिए। अब चाणक्य के दांत तोड़वा दिए तो फिर बाद में जैन श्रमणों ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से राज्य का भोग करेगा। बाद में कपिल के बाद में चाणक्य जो थे यह पाटलिपुत्र छोड़कर तक्ष में आ गए, तक्षशिला में रहने लगे। असल में चाणक्य जो थे यह गोल विषय के अंतर्गत चणई नामक एक गांव था। उस गांव में रहते थे, उस गांव के रहने वाले थे, इसी कारण से इनका जो नाम था वह चाणक्य पड़ा। चाणक्य का जो पूरा नाम था वह था विष्णुगुप्त कौटिल्य, इनका सरनेम था और चाणक्य इनका गांव था चाणक्य। इस तरह से इनका पूरा नाम हुआ विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि चाणक्य जो थे यह तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण थे जो तक्षशिला में अध्यापन का कार्य भी करते थे। अब एक बार यह हुआ कि नंदों की मगध में, पाटलिपुत्र में नंदों की जो दानशाला थी वहां पर चाणक्य गए और चाणक्य भूलवश उस स्थान पर बैठ गए जो किसी अन्य के लिए आरक्षित था। अर्थात कि यहाँ पर नंद बैठे घनानंद और यहाँ पर जो थे वो दानशाला के रूप में ब्राह्मणों को बिठाया गया। तो चाणक्य को यहाँ बैठने की वजह चाणक्य यहाँ पहली पंक्ति में आगे जाकर बैठ गए। इससे नंद बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर चाणक्य की चोटी पकड़कर इन्हें वहां से उठाकर बाहर फेंकवा दिया। ऐसे में चाणक्य ने अपनी चोटी बांध कर, अपनी जो शिखा थी उसे बांध कर प्रतिज्ञा की कि मैं आपके या मैं तुम्हारे संपूर्ण विनाश की कामना करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारा राज्य साम्राज्य सहित तुम्हारा मैं विनाश कर दूंगा, और चल दिए। अब चाणक्य को अपना प्रतिशोध लेने के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश थी जो उनके इस प्रतिशोध को लेने में उनकी सहायता कर सके। अब राजकुमार ऐसे तो मिल नहीं जाता, तो ये चलते चलते आ रहे थे कहाँ से, ये चलते चलते जा रहे थे मगध से, पाटलिपुत्र से, और रास्ते में इन्हें मिला चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त को इन्होंने कार्श्यपण 1000 देके खरीद लिया और तक्षशिला ले गए। तक्षशिला ले जाने के बाद इनको शारीरिक बौद्धिक अस्त्र शस्त्र और सभी प्रकार की शिक्षाएं दी गई। तक्षशिला में सभी प्रकार की शिक्षा लेने के बाद जब चाणक्य और चंद्रगुप्त वापस आए तो इन्होंने देखा कि अब हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है। अब लक्ष्य बहुत बड़ा था, मगध साम्राज्य के या मगध के राजा घनानंद को हराना था, जिसके पास बहुत अधिक सेना थी, जो कि बड़ा साम्राज्य था, और इनके पास कुछ भी नहीं था, ना धन था ना सेना थी, ये दो थे बस अकेले। अब ऐसे में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने इधर उधर छोटे मोटे जो भ्रष्ट राजा थे उनको उनके साथ यहाँ पर कुछ लूटपाट करके, कुछ उनके कोष को उजागर करके, ऐसे करके ने कुछ धन की प्राप्ति कर ली। अब ऐसे में धन की प्राप्ति करने के बाद में इन्होंने भृतक सेना का निर्माण किया। और सेना को लेकर चढ़ाई कर दी। कहां पर चढ़ाई कर दी इन्होंने? मगध पर। मगध था जो कि बिहार के क्षेत्र में स्थित था, पाटलिपुत्र पर। अब इनका जो क्षेत्र था, साम्राज्य था, वह कहीं ना कहीं इस प्रकार से फैला हुआ था। अब चंद्रगुप्त ने चाणक्य के नेतृत्व में या चाणक्य की सहायता से जब मगध पर आक्रमण किया तो ये बुरी तरह से हार गए और इन्हें लड़ाई छोड़कर, युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त तो भाग गए। भागने के बाद में यह घूमते घूमते इन्होंने देखा कि यार आखिर हम असफल कैसे हुए, कारण क्या रहा, युद्ध को हारने का कारण क्या रहा। ऐसे इन्होंने भृतक सेना बनाई, ऐसे कई प्रयास किए इन्होंने, असफल प्रयास किए जिससे वो मगध को हरा नहीं पाए। तो चाणक्य ने कहा कि चलो अपन जनता के बीच में चलते हैं और जनता के बीच से जनता की राय जानते हैं कि आखिर अपन में कमी रही क्या, हमने कमी रही क्या। तो जब यह जनता के बीच जाते, वेश बदल कर जनता के बीच गए, दिन भर जनता के बीच घूमते, रात्रि को किसी नगर में रुकते और वहां पर भी जनता की राय लेते। अब एक दिन क्या हुआ कि चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश बदल कर गए और वेश बदल कर जाने के बाद में इन्होंने रात्रि के समय, शाम के समय, संध्या के समय देखा कि एक माता रोटी बना रही थी और बेटा खा रहा था। तो उस समय क्या होता था कि जो रोटियां होती थी वह बाजरे की या ज्वार की होती थी और बाजरे की और ज्वार की रोटी कड़क होती है, वह टूट या मोड़ नहीं पाती है, उसे मोड़ने जाओ तो वह टूट जाती। तो छोटा बच्चा था तो वो उसको बीच में से खाने की कोशिश कर रहा था। अब उसे बीच में से खा नहीं सकते आप, क्योंकि बीच में से वो कड़क है तो आप उसे नहीं खा सकते। तो उसकी माँ ने उठाकर कहा कि तू भी चंद्रगुप्त की तरह ऐसा काम क्यों कर रहा है, एक वो भी है जो कि साम्राज्य के आसपास के क्षेत्र को छोड़ के पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर रहा है। अब छोटी सी सेना क्या पूरे केंद्र को हरा पाएगा? किसी भी राज्य की सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित जगह उसकी राजधानी होती है और सीधे राजधानी पर आक्रमण करना, अर्थात छोटी सी सेना से आक्रमण करना, या तो ये पार या वो पार। अब सेना छोटी सी है तो जाहिर सी बात है आपको हारना ही है। तो बच्चे ने कहा कि चंद्रगुप्त ने क्या किया? तो उसने कहा कि चंद्रगुप्त ने भी ऐसा ही किया, आसपास के सीमांत राज्यों को जीतने की बजाय उसने सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। जैसे कि तू भी आसपास की कनौर को छोड़ के ने बीच के हिस्से को खाने का प्रयास कर रहा है। अब ये बात चाणक्य के दिमाग में पड़ी और चाणक्य को पता चला कि अपनी भूल क्या है। बस इसी से शिक्षा लेकर चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी भूल को सुधारने के लिए चल दिए। अब ऐसा था कि ये क्षेत्र जो था उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में सिकंदर आया था और सिकंदर ने अपने दूत, अपने कुछ अधीनस्थ राज्यों को छोड़कर गया था, वो जिसमें यूनानी अधिकारी भी रहते थे। तो इन यूनानी अधिकारियों के बाद में यहां पर विद्रोह उठने लगा। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य चल दिए यहीं पर पंजाब प्रांत में,
यहाँ पर पंजाब प्रांत है, पंजाब, पंजाब प्रांत में चले गए, जो कि मगध की सेना, मगध की जो सीमा है उससे दूर था, या मगध की सीमा वहां पर खत्म होती थी। अब ये दोनों वहां चले गए। अब चंद्रगुप्त जो था उसने सिकंदर की इस, सिकंदर ये कहें कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो विद्रोह हो रहे थे उसका फायदा उठाया। अब सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो मुलाकात हुई थी, इसका उल्लेख भी जस्टिन ने किया है, वहीं विशाखा दत्त में भी इसकी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कहां पर हुआ थी इनकी मुलाकात यह जानकारी नहीं है। असल में जब चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर मगध से लड़ने की कोशिश कर रहा था, सैन्य संगठन कर रहा था, लगभग 324 ईसा पूर्व, 324-323 के लगभग में, तो उस समय क्या हुआ कि सिकंदर भी भारत आया था और सिकंदर की एक सेना के एक भाग ने लड़ने से मना कर दिया। अब सेना के एक भाग ने लड़ने से मना कर दिया, ऐसे में सिकंदर कमजोर पड़ गया और इसे व्यास घाटी पार करके भारत पर आक्रमण करना था। ऐसे में उसने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि मगध पर कई बार आक्रमण कर चुका है, मगध का भी दुश्मन है, इसी तरह से उससे मिलना चाहिए। और इधर चंद्रगुप्त मौर्य को भी जानकारी थी कि सिकंदर आया है और यह भारत पर आक्रमण करने आया है, मगध पर आक्रमण करेगा और मगध पर आक्रमण करेगा फिर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसकी सेना का सहायता ले जानी चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों महान सम्राट कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यास घाटी में मिले होंगे। इस व्यास घाटी में इनकी मुलाकात की बात कही गई है। दोनों, ऐसा बताया जाता है कि दोनों की महत्वाकांक्षाओं में टकराव हुआ और आवेश में आकर सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ने का आदेश दे दिया। किंतु चाणक्य ने वहां पर भी चाल खेली और एक अन्य राज्य की ध्वंस देकर कि हमारी बहुत अधिक सेना बाहर खड़ी और आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, ऐसे करके ने चंद्रगुप्त को बचा लिया। और चंद्रगुप्त भी अपने महत्वाकांक्षा और फुर्तीले अंदाज में वहां से सिकंदर के पास से भाग गया। इस तरह से सिकंदर के हाथ वह नहीं लगा। अब तभी से यूनानियों का कट्टर दुश्मन बन चुका था चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त था यह यूनानियों का कट्टर दुश्मन बन गया, तो इस तरह से यूनानियों को भी इसे यहां से खदेड़ना था। तो एक तीर दो निशाने, अर्थात कि यूनानियों से भी दुश्मनी निकालनी थी और इधर मगध से भी। तो इस तरह से यहां पर जो जगह जगह पर जो विद्रोह भड़क रहे थे, क्योंकि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु से पूर्व यहाँ पर फिलिप जो उसका सेनापति था उसकी मृत्यु हो गई। सेनापति की मृत्यु के बाद सिकंदर की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे कि जो यहाँ के विद्रोही राज्य थे उन राज्यों ने कहीं ना कहीं अपने दास्तान की बेड़ियां उतार कर फेंक दी। क्योंकि यहाँ पर जैसे तक्षशिला में अंबी को, या झेलम प्रदेश में पुरु को या पोरस को, और जो उत्तरी भाग था उसमें एक और जो राजा था, ऐसे तीन भारतीय राजाओं को साम्राज्य देकर गया था। ये कहीं ना कहीं सिकंदर के अधीन थे। अब सिकंदर की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, ऐसे में ये स्वतंत्र होने लगते हैं और स्वतंत्रता की इनमें पुकार उठने लगती है। अब इन्हें आवश्यकता होती है एक नेतृत्व की। तो चंद्रगुप्त मौर्य सभी को इकट्ठा करता है, सभी में विद्रोह भड़काता है और सभी का नेता बन जाता है। जस्टिन ने भी पंजाब साम्राज्य का, पंजाब का राजा बताया है चंद्रगुप्त को, कि चंद्रगुप्त उस समय पंजाब का लगभग राजा बन चुका था। अर्थात कि यहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे उन छोटे छोटे राज्य ने चंद्रगुप्त को अपना समर्थन दे दिया और समर्थन देने के कारण चंद्रगुप्त एक प्रकार से इनका राजा बन गया। और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में इन लोगों ने, या इस पंजाब प्रांत के छोटे छोटे राज्यों ने, छोटे छोटे राज्यों के अंतर्गत कुछ अन्य जातियां भी थी, जैसे कि लड़ाके थे, डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, उसके अंतर्गत जो अस्त्र शस्त्रों पर अपना जीवन निर्वाह करते थे वे लोग थे, और अन्य ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के थे, उन लोगों को सबको शामिल किया। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को खदेड़ दिया और यूनानी यहां से चले गए। इस तरह से ये स्वतंत्र हो गए। अब इनका राजा बन गया चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के पास में 100 कोटि की सेना, जिसमें 100 कोटि की सेना हो गई, जिसके अंतर्गत 1,00,000 घुड़सवार, 10,000 हाथी और सैकड़ों रथ की सेना थी इसके पास। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अपने सेना को लेकर घनानंद यानी मगध की ओर बढ़ चला। इनके बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने
मगध पर आक्रमण किया, आक्रमण में गणानंद को परास्त किया, गणानंद को परास्त किया, और गणानंद को परास्त किया इससे मुद्रा राक्षस और अन्य ग्रंथों से जानकारी अलग अलग प्राप्त होती है। एक ग्रंथ में बताया गया है कि गणानंद को मार दिया गया, वही मुद्रा राक्षस में बताया गया गणानंद को मार दिया गया, किंतु महावंश टीका के अनुसार गणानंद को मारा नहीं गया। गणानंद की दो पुत्री, दो बीवियां, पत्नियां और एक पुत्री के साथ में एक छकड़े में जितना धन आए इतना धन लेकर उसे पाटलिपुत्र छोड़ जाने को कह दिया गया। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रतिभा से, अपनी प्रतिभा और चाणक्य के सहयोग से एक दास्तान भरे जीवन से निकलकर एक राजा तक का सफर तय किया, एक राज साम्राज्य तक का सफर किया। अब यहाँ पर इतिहासकारों में चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य रोहण का समय है उस समय को लेकर बड़ा मतभेद है। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और यूनानियों के बीच में एक संधि हुई थी और 323 के लगभग में इन्होंने पंजाब प्रांत में यहां पर विद्रोह करवा के ने यूनानियों को खदेड़ दिया था। अर्थात के 321 और 323 के मध्य लगभग 322 में चंद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ होगा। तो इसके जो राज्य है, इसके जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का जो समय है वह 322 ईसा पूर्व माना जाता है, 322 ईसा पूर्व माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठने के बाद भी चुप नहीं रहा। ये इसने साम्राज्य हत्या तो लिया, साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना भी कर दी, किंतु इसके जो आसपास के सीमांत क्षेत्र थे उन्हें जीतना था। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने यहां मगध से बंगाल और बंगाल से पूर्व में बंगाल, पश्चिम में सौराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र है, क्योंकि जानकारी प्राप्त होती है कि गुजरात में इसका एक सैन्यपाल था, शासक, इसके द्वारा नियुक्त एक शासक की जानकारी प्राप्त होती है। तो पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक इसका साम्राज्य था। और यह साम्राज्य यहां तो था, किंतु यहां से अगर हम देखें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, तो वह साम्राज्य इसका निकलकर पहुंच गया था ईरान तक। यहां पर है ईरान और यहां पर है हिंदू कुश पर्वत। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वह हिंदू कुश पर्वत और ईरान के कुछ भाग तक फैला हुआ था। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के ना पहले ऐसा राजा हुआ है, ना ही उनके बाद में ऐसा कोई राजा हुआ है या ऐसा सम्राट हुआ है जिसका अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में इतना बड़ा क्षेत्र रहा हो। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मुगल आए, कई राजा आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, अंग्रेज भी लड़ते मरते रह गए, किंतु वह भी इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ऐसा कोई दूसरा राजा भी नहीं हुआ जिसने ऐसा इतना लंबा चौड़ा भारत का साम्राज्य स्थापित किया। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक सम्राट या महान सम्राट हुआ जिसने कि भारत की सीमा को हिंदू कुश पर्वत तक फैला दिया था। इसकी विजयों की जानकारी इतिहास के ग्रंथ में छुपी हुई है, संपूर्ण विजयों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किंतु इतिहासकार प्लूटार्क ने इसे 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंदने की बात कही है। अर्थात कि चंद्रगुप्त के पास में 6 लाख पैदल सैनिक की सेना थी, 6 लाख की सेना उस समय, 6 लाख की सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास में। 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत में इसने आक्रांताओं की तरह ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में इसने विजय ध्वज फहराया था। अब यहां पर कहीं ना कहीं इसकी जानकारियां प्राप्त होती है, क्योंकि अब ये जो क्षेत्र था सिकंदर के मरने के बाद, उनका सेनापति फिलिप के मरने के बाद में, यहां पर दो सेनापति थे, एक तो था सेल्यूकस और एक अन्य सेनापति था, इन दोनों में झड़प हुई, संघर्ष हुआ, और संघर्ष होने के बाद में 300 लगभग यहां पर हम कह सकते हैं कि 306 ईसा पूर्व में जो सेल्यूकस था
इसने विजय प्राप्त की और विजय के बाद में यह यहाँ का राजा बन गया। इस क्षेत्र का जो था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का राजा सेल्यूकस बन गया और अपने आप को निकेटर की उपाधि दी। जानकारी प्राप्त होती है कि निकेटर की उपाधि देने के तुरंत बाद में इसने भारत के इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया जो चंद्रगुप्त ने अपने कब्जे में या अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा था। जैसे इसने यहाँ पर आक्रमण किया, चंद्रगुप्त ने इसका प्रतिरोध किया और प्रतिरोध स्वरूप चंद्रगुप्त की सेना ने सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से हरा दिया। अब जब यह बुरी तरह से हार गया तो 305 में इन दोनों के मध्य एक संधि हुई और उस संधि की शर्तों के तहत जो कांधार, काबुल और हेरान जो प्रांत थे, यह प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना या कॉर्नेलिया। हेलेना या कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया गया। उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें 500 हाथी दिए और 500 हाथी देकर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के उपलक्ष्य में सेल्यूकस निकेटर ने भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में एक यूनानी राजदूत नियुक्त किया जिसका नाम था मेगास्थनीज और जिसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की संपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में, ये कहें कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल और हिमालय से लेकर कर्नाटक तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। कर्नाटक विस्तार की जानकारी यहाँ से कई तमिल ग्रंथ है, उन ग्रंथों से जानकारियां प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त की सेना आई और सेना ने यहाँ के स्थानीय राजाओं को परास्त किया और अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है। वहीं हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त जब बूढ़ा होने लगा था तो बूढ़ा होने के बाद में इसने जैन धर्म को ग्रहण किया और जैन धर्म ग्रहण करने के बाद में जैनों में जैसे संलेखना या संथारा एक विधि होती है जिसके तहत तपस्या करते हुए भूखे रहते हुए अपने प्राणों का त्याग किया जाता है। इस तरह से कर्नाटक आने के बाद में चंद्रगुप्त ने अपने प्राणों का त्याग संलेखना विधि के द्वारा किया, अर्थात भूखे रहकर अपने प्राणों का त्याग किया और इस तरह स्थूलभद्र के नेतृत्व में इन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को ग्रहण करके इस तरह से अपने प्राणों का त्याग किया और कैवल्य को प्राप्त किया। तो एक महान सम्राट हुआ जिसके पिता का अता पता नहीं, जिसकी माता का अता पता नहीं, जो दास बचपन से कह सकते हैं कि बचपन से लावारिस और अनाथ के रूप में बाहर आया और अनाथ के रूप में बड़ा होने के बाद में कई बार इसे बेचा गया, खरीदा गया और कई बार बेचने और खरीदने के रूप में बीच में इसने दास्तान भरा जीवन जिया और दास्तान भरा जीवन जीने के बावजूद भी इसमें राज्य के या एक राजा के गुण थे और इन गुणों की पहचान चाणक्य ने की और चाणक्य के ही सहयोग से चंद्रगुप्त इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित कर पाया। चंद्रगुप्त का यदि मूल्यांकन करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य विरासत में नहीं मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक दास्तान भरे जीवन से निकलकर इतने बड़े साम्राज्य को खुद अपनी मेहनत, अपनी शौर्य, अपनी ताकत और अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने बाहुबल से इसे जीता था या अपने बाहुबल से इसे प्राप्त किया था। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ, भारत का महान सम्राट हुआ, ऐसा सम्राट हुआ जो कि आज तक ऐसा कोई सम्राट हो नहीं पाया, जिसने कि इस भारत को, या ये कहें कि राजनीतिक रूप से भारत को एकता के सूत्र में, अखिल भारतीय सूत्र में बांधा हो। यह शासक ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त साम्राज्य खड़ा करके ही ऐसा ही रह गया। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था भी बड़ी अनोखी थी। इस तरह से हम चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था को भी देखते हैं। शासन व्यवस्था में सबसे पहले हम देखते हैं राजा को देखते हैं। राजा जो था यह प्रबुद्ध निरंकुश था। प्रबुद्ध निरंकुश का अर्थ होता है
कि यह अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता था, किंतु इस पर राज्य का जो विधान था, राज्य का विधान और धर्म का और वहां की जनता का नियंत्रण होता था। अर्थात कि निरंकुश होने के बावजूद भी यह किसी न किसी शक्ति के नियंत्रण में था, अर्थात कि प्रबुद्ध नियम निरंकुश प्रबुद्ध निरंकुश। शासन की संपूर्ण शक्ति का जो शक्ति जो थी वह राजा में समाहित थी। शासन की जो शक्ति का केंद्र था, संपूर्ण शक्ति का केंद्र था, न्याय शक्ति इसी में थी। न्याय सबसे बड़ा न्याय अधिकारी यही था, सबसे बड़ा न्याय अधिकारी भी राजा ही होता था। राजा में सारी शक्तियां, राजा अमात्य जो थे और मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद राजा को परामर्श देती थी, किंतु राजा का पर यह निर्भर था कि राजा उसकी परामर्श को माने या ना माने। तो इस तरह से राजा अपनी शासन व्यवस्था चलाता था। राजा के बाद में यदि हम देखें इसके नगरी प्रशासन को, नगरी प्रशासन में जो नगर होता था, नगर के संचालन के लिए यहां पर एक 30 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। 30 सदस्यों की 6 समितियां होती थी जिनमें 5-5 सदस्य होते थे, और ये जो समितियां होती थी इनके अंतर्गत कई कार्य आते थे, जैसे कि नगर की सुरक्षा, नगर का रखरखाव, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि चीजें इन समितियों के अधीन थी। जो नगरी प्रशासन हो गया, यही राजधानियां थी। बात करते प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था यह प्रांतों में बसा हुआ था, अर्थात प्रांतों में बटा था, जिनकी संख्या थी 6। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रांतों में विभाजित था जिनकी संख्या थी 6, जिनमें से पहला होता था गृह राज्य, जिसमें पाटलिपुत्र के आसपास का जो क्षेत्र होता था या मगध के आसपास का जो क्षेत्र होता था वह होता था, जिसकी राजधानी होती थी पाटलिपुत्र, इसे बोलते थे गृह राज्य। यहां पर राजा स्वयं रहकर अपना राज्य करता था। वहीं जो दूसरा देखें हम, पाटलिपुत्र के बाद में यहां उत्तरापद जो था, इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि पंजाब का जो प्रांत है, पंजाब और पाकिस्तान, अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है वह, और वर्तमान में जो अफगानिस्तान है उसका कुछ भाग शामिल था। उसके अंतर्गत पेशावर कह सकते हैं, गांधार कह सकते हैं, कंधार कह सकते हैं, ये चीज आती थी। और इसकी जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला। तीसरा जो प्रांत था वह था दक्षिणापद, जिसकी राजधानी थी, यह जो क्षेत्र था यह स्वर्णगिरी के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। चौथा जो साम्राज्य था, चौथा जो प्रांत था वह था अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, जहां अभी वर्तमान में मैं खड़ा हूं। पांचवा जो प्रांत